इसलिए कि 2 घंटे गर्मी में बिठाया था यार, क्या मसला, गर्मी में बिठाया था 2 घंटे और फिर उसके बाद तारीख दे दी तो वो मेरा गुस्सा। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया सर, थोड़ा बता दो। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया है कि हाई कोर्ट इस फैसले को निपटाए, आपको लगता है कि अब हाई कोर्ट जल्दी में कोई फैसला करेगा? देखिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये मामला है, मेरा इससे क्या ताल्लुक सर? अगर कल ये तो मामला बड़ी देर से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट, ये तो पूरी एक गोल चक्कर है। फिर यही इसीलिए उन्होंने वापस नहीं हमें भेजा सर, पटिया की वकला जैसे कि ये जो है पूरी पीटीआई को लपेटना चाहते हैं साइफर के जरिए। ये हम क्वाश करवा देंगे आप साइफर वाले। आप ये बताइएगा अगर एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब सर, उसके ऊपर आपको मतलब उनके बार बार उनके ऊपर एतराजात करते हैं, तो सर आप नहीं समझते कि इसके ऊपर कानून कोई एक्शन होना चाहिए कि अगर किसी जज के ऊपर किसी बनने का यकीन ही ना हो? लेकिन ये तो बुनियादी एक असूल होता है कि मुनसिफ जो है उस पर एतमाद साहिल और फरीकैन का होना चाहिए मुकदमेबाज, ताकि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए और सभी को मुनसिफ पर एतमाद होना चाहिए। तो ये उनकी कोर कमेटी जाने उन्होंने कोई करारदादें की हैं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं कोई कोर कमेटी का माफ़ कीजिएगा मेंबर नहीं हूँ, मैं वकालत करता हूँ, इसलिए मैं तो वकालत की हैसियत से ही अपने जो है इस्तदलाल लेता हूँ। मैं ना उनका पाबंद हूँ ना उनकी हिदायत पर चलता हूँ, मैं मुकदमे से मुखलिस होता हूँ, मैं हमेशा साहिल की जो है जो मेरा मौकिल होता है मैं उसकी ईमानदारी से जो है कानून और आईन के मुताबिक। बात सुनिए, आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई, हमला हुआ आपके ऊपर, हमला हुआ आपके घर के ऊपर, फायरिंग हुई, इमरान खान साहब आपका पता करने के लिए आपके घर है, जबकि आपके घर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब भी ना है, आजकल वो जेल में है, आपको तो जाना चाहिए उनकी खैरियत के लिए। जा रहे हैं भाई, सुनो आप सच्ची बताएं कि जो आपके बारे में, आपके बारे में मुझे डिटेन किया हुआ है, पीटीआई के मुकला विक्ट्री बना के आ रहे थे आज बाहर, सर बताएं थोड़ा सा आपको पीटीआई को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से? उनसे पूछे सर केस आपने लड़ा सर, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि मुलजिम तो जेल पहुंच गया और अभी अपीलों का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और आज खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार आना पड़ा, इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई रिहाई के लिए कोई ऐसे ऑर्डर जा सकते हैं अगर चीफ जस्टिस का माइंड ये कहता है? हमारी तो इस्तदा ही है कि सजा का जो है ये कलदम है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और हमारा इस्तदलाल ये है कि सजा बिल्कुल उसी स्टेज पर वापस जाना चाहिए मामला जिस स्टेज पर हमारे जो है जो तहफ़ुज़ात थे कि ना उस अदालत को अख्तियार समाअत था, ना ही डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है वो कंप्लेंट यानी इस्तगासा करने का वो हकदार ही नहीं था। सो ना कोई आईन कानून की नज़र में इस्तगासा की वजूद होता है और ना ही अदालत को अख्तियार समाअत था, इसलिए तमाम कार्रवाई जो इसकी सजा की पर मुंजबित हुई है ये सारी की सारी जो है गैर आईनी, गैर कानूनी, और इसकी कोई खोसा साहब आपके बारे में कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के महंगे वकील हैं, खोसा साहब आपके बारे में कहा जाता है, आप खुद भी कहते हैं मिलियंस या बिलियंस में फीस लेते हैं, खान साहब से कितनी ली है, पीपल्स पार्टी से आपको आपके बारे में कहा जा रहा है सर, फीस के बारे में सर? एक बात तो ये है कि ये मेरे और साहिल के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियल जो है कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियल की वजह से। अच्छा खोसा साहब, सुना है कि डीजी खान में खोसा हाउस के ऊपर भी कोई लोग गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है खोसा हाउस में? डीजी खिलाड़ी आज तक 100 साल में खोसा हाउस खान पर नहीं हुआ था।